दोस्तों, मैं आपको मेरी हर वीडियो में सेहत के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के लाती हूँ जो आपको अच्छे लगते हैं और आपको सेहत को भी वो अच्छी रखती हैं। अभी तो समर का सीजन चालू है तो आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए एक ऐसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के लाई हूँ जो आपको स्वादिष्ट लगेगी और आपको वेट लॉस में भी मदद करेगी। न्यूट्रिशनल काउंसिलर, वेलकम बैक टू माई चैनल बॉबी हेल्दी फूड जॉइंट। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट शेयर करने को भी भूलिएगा मत, तो आपको पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आपको मेरी आप कमेंट करेंगे तो मुझे आपकी सपोर्ट भी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो रेसिपी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं आज हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के लाए हैं जो आपकी सेहत को बढ़िया रखेगी और आपकी वेट लॉस में भी मदद करेगी। तो आज की टॉपिक है हमारा चिया सीड्स स्मूदी। तो आज आपको ये चिया सीड्स स्मूदी बनाने के पहले हम इसकी हेल्थ बेनिफिट्स पहले जान लेते हैं। प्रोटीन, हाई फाइबर, ओमेगा 3, आयरन, कैल्शियम और फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल्स, जिंक और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एजिंग तत्व है। इसमें इतने सारे तत्व होने के कारण इसमें जो हाई फाइबर और प्रोटीन होती है तो ये हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और बीपी को भी नॉर्मल रखती है। और आपको चिया सीड्स खाने में इसमें ओमेगा 3 रहती है तो ये हमारी ब्रेन को भी बढ़िया रखती है और नर्वस सिस्टम भी ठीक रहती है। तो हमारे हार्ट, ब्रेन और हमारे जितने सारे पूरा ऑर्गन है बॉडी की सभी ऑर्गन को ये ठीक रखती है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स थे। तो ये कैंसर और ट्यूमर को भी कम करने में मदद करती है। तो हमको चिया सीड्स को खाने में हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होती है, हमारे डाइजेशन को भी ठीक रखती है। हमारे डाइजेशन को ठीक रखने के लिए हम हर रोज चिया सीड्स खाना जरूरी है। तो हम कैसे इसको खाएं? तो आज हम हमारी वीडियो में आपके लिए वेट लॉस के ऊपर ये वीडियो बना के लाए हैं तो आपको आपकी वेट लॉस कैसे होगी तो इसी के बारे में हम पहले सोचते हैं। तो वेट लॉस के लिए आपको चिया सीड्स हमको ब्रेकफास्ट में खाना जरूरी है। तो आज हम आपके लिए वही चिया सीड्स की ब्रेकफास्ट रेसिपी बना के लाई है जो आपको हर रोज आप ब्रेकफास्ट जब लेते हैं उसी टाइम ये चिया सीड्स लेंगे। तो आपको चिया सीड्स लेने में भूख कम भी लगती है और आपकी स्टोमाक जैसे फूल जैसे भी लगती है। तो चिया सीड्स इसमें हाई फाइबर होने के कारण स्टोमाक को ये भरी भरी लगती है तो आपको भूख कम लगने से कारण आप खाना भी कम खाते हैं तो हमारे वेट लॉस में ये बहुत मदद करता है। और रोज 2 टेबल स्पून खाना जरूरी है। तो हम 2 टेबल स्पून का मतलब 2 चम्मच, तो 2 चम्मच हम खाने के लिए चिया सीड्स, उसी में 10 ग्राम प्रोटीन आ जाते हैं और 10 ग्राम फाइबर, 3 ग्राम फैटी एसिड्स और हमारे ये हमें डेली डाइट में लेना चाहिए। तो 2 चम्मच हम पूरा दिन भर में 2 चम्मच और ज़्यादा भी नहीं खाएंगे। तो ज़्यादा खाने से भी इसका हमारे पेट में ये ज़्यादा पानी सोखती है तो हमको 2 चम्मच से ज़्यादा कभी चिया सीड्स नहीं खाना चाहिए एक दिन में। तो हम क्या वेट लॉस के लिए हम हमारे ब्रेकफास्ट में चिया सीड्स को शामिल करेंगे। तो हम ब्रेकफास्ट में जब पूरी खाते हैं, इडली खाते हैं कि समोसा खाते हैं और कुछ भी तली भुनी हुई खाना खाते हैं तो इसके बदले में हम चिया सीड्स की ब्रेकफास्ट लेंगे। तो ये चिया सीड्स की ब्रेकफास्ट के लिए हम चिया सीड्स की आज बनाएंगे स्मूदी। तो चलिए दोस्तों, हम आज ये चिया सीड्स स्मूदी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो पहले हम वो जान लेते हैं। चिया सीड्स स्मूदी बनाने के लिए हमको सोक्ड चिया सीड्स 2 चम्मच, रात से भीगा हुआ था उसको हम रखे हैं, और योगर्ट जो बिना मलाई वाला 1.5-2-3, आलमंड 7-8 और आइस क्यूब्स, एप्पल, आप बनाना भी ले सकते हैं।
आपको जो फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो आप ले सकते हैं। मुद्दी बनाने के लिए हम एक एप्पल पहले ले लेते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं। आप एप्पल के बदल में भी आप बनाना भी ले सकते हैं। किसी किसी के सेहत के लिए बनाना भी अच्छे नहीं रहते हैं, तो सभी लोगों को एप्पल का सेहत को ठीक रखती है। तो आप कुछ भी फ्रूट्स लेने के बदले आप एप्पल ले सकते हैं, जो आपको सेहत को ठीक रखेगी और एप्पल आपको फाइबर भी ज़्यादा मिलती है एप्पल से। तो हम एक एप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कि आप सुगर के बदले में आप डेट्स लीजिए। हम वेट लॉस की स्मूदी बना रही हैं, तो हम वेट लॉस के लिए बनाने के लिए हमको मीठी चीज की ज़रूरत होती है, तो आपको अच्छे नहीं लगते, तो हम उसके बदले में 2-3 डेट्स दे सकते हैं। और 7-8 आलमंड आप लीजिए। और एक कटोरी योगर्ट जो बिना मलाई वाला, तो आपको ये वेट लॉस में वेट ये गेन करने नहीं देती। तो हम एक कप योगर्ट देते हैं और 2 चम्मच चिया सीड्स। तो ये सारे चीज लेने के बाद आप इसको एक ब्लेंडिंग जार में डाल के ब्लेंड कीजिए। चलिए उसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये चिया सीड्स की स्मूदी बनके तैयार हो गई है। ये आपकी ब्रेकफास्ट में आपको बहुत बढ़िया लगेगा और आपको और दूसरी चीज कुछ खाने को भी जरूरत नहीं, जो आपको ये ब्रेकफास्ट में पूरा भरा भरा लगेगा। पूरा दिन आप ले सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और आप चाहिए तो शाम को डिनर में भी ले सकते हैं। हर रोज ये ब्रेकफास्ट में चिया सीड्स की स्मूदी लीजिए और ये आपकी वेट लॉस में भी मदद करेगा। आपको एक ही महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट कितने कम हो गई है। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे बनी है। तो फिर
फिर मिलते हैं और एक वीडियो में और एक हेल्थ टॉपिक के ऊपर। हम दूसरा वीडियो बना के लाएंगे जो आपको सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तब तक के लिए बाय।